वेलकम टू आर वीडियो. इन दिस वीडियो एकदम छोटा वीडियो होने वाला है ये एंड जस्ट अ चेक. अगर आप लोग को लग रहा है कि आप लोग ने मे बी गलत एक्सट्रैक्शन किया हो तो चेक हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है. वी हैव दिस नेट सेल्स, यहाँ पे हमने नेट सेल्स कैलकुलेट किया था. कैसे कैलकुलेट किया था? ग्रॉस सेल माइनस डिस्काउंट करके. अगर आपको याद होगा हमारे टेबल में, भी एक नेट सेल्स का कॉलम है. इफ़ यू ऑल कैन सी नेट सेल्स का कॉलम एंड सिमिलरली इन आर पिवट टेबल वी हैव सम ऑफ नेट सेल्स का एक अलग से वी हैव अ वेरिएबल. सो आप आराम से चेक कर सकते हो यहाँ पे नेट सेल्स यू हैव कैलकुलेटेड यूजिंग द ग्रॉस सेल्स एंड डिस्काउंट जो आपने पिवट टेबल से एक्सट्रैक्ट किया है. ये नेट सेल्स आपने कैलकुलेट किए हैं. अब आप नेट सेल्स अपने पिवट टेबल से भी एक्सट्रैक्ट करके देख सकते हैं एंड अगर वो दोनों मैच होगा तो इसका मतलब है कि हमारा एक्सट्रैक्शन सही था. सो फॉर दैट वी विल अप्लाई अ चेक. यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चेक एंड यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं नेट सेल्स एंड यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंस एंड सेम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जस्ट मैंने मुझे क्या करना है, आई विल जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर एंड यहाँ पे आई कैन राइट 2015 में लेके आ सकती हूँ यहाँ से टेबल से एंड 2016 में लेके आ सकती हूँ टेबल से. फिर से आराम से हम टेबल से एक्सट्रैक्ट करेंगे 2000 आपका जैसे मन. अगर आपको टेबल के नीचे दिखाना है चेक तो आप टेबल के नीचे भी दिखा सकते हो, मैं साइड में दिखा रही हूँ, इट्स अप टू यू. तो 2015-2016 आ गया. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज मुझे ये वाला पूरा फंक्शन कॉपी पेस्ट करना है. सो कॉपी एंड नेट सेल्स में मैंने पेस्ट किया. एरर आएगा ऑब्वियसली, देखते हैं क्या एरर है. सम ऑफ वॉट B17 आ रहा है तो इस B17 को चेंज करके हमें नेट सेल्स वाला सेल सिलेक्ट करना है. वापस से देखो हमें क्या करना है. सम ऑफ नेट सेल्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो वाला सेल मुझे सिलेक्ट करना है बिकॉज मुझे नेट सेल्स का सम चाहिए. पिवट टेबल A3 द स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ द पिवट टेबल, ये सही है, ईयर सही है एंड इसके साथ J2 आ रहा है. सो इंस्टेड ऑफ J2 मुझे क्या करना है, 2015 वाला सेल सिलेक्ट करना है एंड ओके किया. सिमिलरली आई ड्रैग इट फॉर 2016 ऑल्सो. एरर आएगा यहाँ पे भी. इंस्टेड ऑफ J17 मुझे क्या सिलेक्ट करना है, इधर सम ऑफ नेट सेल्स, तो नेट सेल्स वाला कॉलम नेट सेल वाला सेल मैंने सिलेक्ट कर दिया एंड इंस्टेड ऑफ दिस विच इज़ ईयर 2016 K15, येस इट शुड बी K15, वेरी गुड. तो अब मुझे बस ओके करना है एंड यू ऑल कैन चेक आंसर मैच हो रहा है कि नहीं. एक और तरीका है टू टेक द डिफरेंस बिटवीन दिस नेट सेल्स माइनस दिस जो हमने एक्सट्रैक्ट किया अपने टेबल से, देख सकते हो जीरो आ रहे हैं. हेंस आर चेक इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. आप ये दिखा भी सकते हो अपनी शीट में, नहीं भी दिखा सकते हो, इट्स एब्सोल्यूटली अप टू यू कि आपको ये दिखाना है या नहीं दिखाना है. सो दिस इज हाउ वी चेक आर डेटा फ्रॉम द पिवट टेबल विच वी हैव एक्सट्रैक्टेड. नाउ दिस इज हाउ हमने देखा, ये हमने पिवट टेबल से डेटा अपने एक्सट्रैक्ट किया एंड हमने देखा कि कैसे हमारा चेक एकदम एब्सोल्यूटली करेक्ट है. आप उसको दिस वॉज द डेटा विच वी हैड कैलकुलेटेड यूजिंग ग्रॉस सेल्स माइनस डिस्काउंट एंड दिस इज द डेटा विच वी हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ पिवट टेबल. नाउ द थ्री मोर थिंग्स विच आई कैन ऐड ओवर हियर इज नेट सेल्स पर यूनिट, ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट एंड FDM पर यूनिट भी मुझे अपने एनालिसिस में डालना है ताकि मैं अपने क्लाइंट को बेटर अंडरस्टैंड करवा पाऊँ. तो ये कैसे हो सकता है, आई जस्ट कॉपी. अगर आपको याद है कि हम लोग एडिटिंग कैसे कॉपी करते हैं इस सेल का, फॉर्मेट पेंटर एंड पेस्ट, ठीक है. तो यहाँ मुझे लिखना है नेट सेल्स पर यूनिट, दिस विल बी ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट एंड लास्टली आई हैव द FDM पर यूनिट एंड दिस इज हाउ वील कैलकुलेट.
नाउ व्हाट इज नेट सेल्स पर यूनिट? इट इज़ द टोटल नेट सेल्स जो मैंने पूरे ईयर किया है फॉर ऑल द ब्रांड्स डिवाइडेड बाय कितना मैंने यूनिट्स बेचा है, एंड दैट इज़ अंडर द वॉल्यूम सेक्शन, कि इतना मैंने यूनिट्स अपना पूरे साल में फॉर ऑल द ब्रांड्स बेचा है. सो आई जस्ट सिंपली इक्वल टू नेट सेल्स, दिस इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स विच आई हैव डन थ्रू आउट द ईयर, डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट ऑफ यूनिट्स और द वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स विच आई हैव सोल्ड. बस इसको मैंने किया एंड आई हैव द आंसर. यहाँ पे क्या फिक्स करना है हमें, यहाँ पे हमें C5 वाले सेल को, C5 में हमें 5 फिक्स करना है बिकॉज ये रो सेम होना चाहिए. कॉलम कैन चेंज फॉर 2016 ऑल्सो, तो यहाँ पे मुझे रो फिक्स करना है. आई फिक्स दिस पर्टिकुलर रो. अब मुझे राइट ट्रैक करना है, सो आई हैव गॉट इट फॉर 2016 एज वेल. सिमिलरली आई डू इट फॉर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वापस से. मेकिंग इट एब्सोल्यूट यूजिंग F4 3 टाइम्स एंड अगेन FTM डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम. F4 2 टाइम्स किया मैंने, तो ये एब्सोल्यूट हो गया एंड इसको ट्रैक किया. सो दिस इज़ हाउ आई गेट माई आंसर. टू मेक इट लुक मच बेटर आई कैन रिड्यूस द डेसिमल प्लेसेस. आई विल रिड्यूस द डेसिमल प्लेसेस. डेसिमल प्लेस 1 या 2 तक ही रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं. सो इट्स डन, सब जगह 1 है. सो लेट इट बी और यू कैन मेक इट 2. सो 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने किया है. यू कैन शो दीज फिगर्स इन रेड इफ़ यू वॉन्ट, दिखाने के लिए कि सारे फिगर्स नेगेटिव हैं. सो वी हैव द इंटायर टेबल विद अस. And this is how I have completed my analysis. I have checked कि मेरा answer जो मैंने यहाँ पर calculate किया था and table से वो सही है या नहीं. Yes, answer 0 आया, difference सही है. मैंने और भी analysis इसमें डाले about net sales per unit, gross profit per unit and FTM per unit for both the years. So my data is complete. Now in the next video we are going to learn about slicers more in depth.